पानी पियो, पानी पियो। यू ओके? क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ कि तुम आती है रात को? घर में सब ठीक तो है? किंजल, किंजल ठीक है ना? तोशो और किंजल में कोई प्रॉब्लम? हाँ? नहीं नहीं, ठीक है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि तुम सुबह होने का वेट नहीं कर पाए? इस जीरो को आपके बहुत सारे जीरो वाले क्रेडिट कार्ड की जरूरत है। बाहर जाके दुनिया के सामने हाथ पैर जोड़ने, घर गिरवी रखने, लोन लेने से तो अच्छा ये है कि आप लोग मेरा एहसान ले लीजिए। उस दिन मैंने आपसे कहा था ने कि मेरे बच्चों के भविष्य के लिए, उनके सपनों के लिए मुझे अगर आपके सामने झुकना भी पड़े ना तो झुक जाऊंगी। सर झुका के झोली पेला के मुझे आपकी मदद की जरूरत है राखी पे। आधी रात को पैदल चलकर मेरे दरवाजे पे तुम पैसे मांगने आई हो? 20 लाख रुपए चाहिए राखी बहन। पर तोशु ने कहा कि तुम्हारा लोन अरेंज हो गया है। लोन मिला था, बैंक ने पैसे दिए थे, पर वो पैसे मेरे खाते में नहीं आए। धोखा, फ्रॉड हुआ मेरे साथ। I'm not surprised. वो कहते हैं ना, एक बेवकूफ और उसका पैसा ज्यादा दिन साथ नहीं रहता। पर तुम्हारा पैसा तो तुम्हारे हस्बैंड से भी ज्यादा बेवफा निकला। तुम तक पहुंचने से पहले वो किसी और के साथ चला गया। हाँ, आप मेरी मदद करेंगे ने राखी बहन? आप मेरी मदद करेंगे ने? इस परिवार का स्वाभिमान अभी भी बहुत ऊपर उठ रहा है। Just leave before I lose my patience. I'm sorry, mummy. I'm sorry, papa. ये तुम्हारे जागते रहने से घर में पैसे नहीं उग जाएंगे। जिसने ये प्रॉब्लम क्रिएट की है वो तो घोड़े बेच के सो गई होगी। इसलिए तुम भी सो जाओ, मुझे भी सोने दो प्लीज। I know अनुपमा सो नहीं रही। I just hope कि पैनिक में आके वो कोई और गलती ना कर बैठे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अनुपमा एक्चुअली में मेरे आगे झुक जाएगी। गलती का बोझ बहुत भारी होता है राखी बहन। सर पे पड़ जाए तो कर्तन अपने आप झुक जाते। पर तुम्हारी गलती तो बहुत बड़ी है अनुपमा। I mean इस दरवाजे पे बहुत भिखारी आए, लेकिन 20 लाख की भीख आज तक किसी ने नहीं मांगी। मैं भीख नहीं मांग रही हूँ राखी बहन, कर्जा मांग रही हूँ। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। How beautiful. आप चिंता मत कीजिए, हो मैं कर्जे की एक एक पाई लौटा दूंगी। सूद समेत एक एक पाई लौटा दूंगी। Is it really worth it? कारखाना बंद हो जाने दो। तुम अपनी डांस क्लास ऑनलाइन चला लेना। बिजनेस में इमोशंस नहीं, फायदा नुकसान देखा जाता है अनुपमा। मैं भी नफा नुकसान ही देख रही हूँ राखी बहन। ये टैक्स नहीं भराने तो मेरे परिवार के सारे सपने बिखर जाएंगे। मेरे बच्चों की उम्मीदें, मेरे माँ बाप जी का दिल टूट जाएगा। इतनी कच्ची बिजनेस वुमन नहीं हूं कि बच्चों के सपनों को और माँ बाप पूछी की उम्मीदों को नुकसान होने दू।
बा को तो वी ने जैसे तैसे संभाल लिया, मगर मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि हम इससे भी बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं। कांट बिलीव इट, इतना सब होने के बाद वो अनुपमा चैन से सो रही है। जरूर वो और उसका चमचा बेटा समर कुछ ना कुछ तो करेंगे, पक्का कुछ ना कुछ करेंगे। जाके देखूं क्या? वैसे तो मैं मना कर देती, पर तुमने मेरी बेटी का साथ दिया, ढोलकिया को सजा दी, तो तुम्हारी हेल्प तो मुझे करनी ही पड़ेगी ना। आफ्टर ऑल मैं भी तुम्हारी तरह एक माँ हूं, बिजनेस वुमन भी हूं, लेकिन तुम जैसी नहीं हूं अनुपमा। मैं घाटे का सौदा नहीं करती। सांस लेना भूल जाऊंगी, सौदा करना नहीं। 20 लाख नहीं 40 लाख दूंगी, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा अनुपमा? जिस माँ का बेटा पहले ले चुकी है वो आपको क्या दे सकती है राखी बहन? कारखाने को ही तो बचाने के लिए आई, और गहने है नहीं। सोचो अनुपमा, कुछ तो बचा होगा। अब तो सिर्फ आत्मसम्मान बचा। मैं उसे भी आपके पास गिरवी रखने के लिए तैयार हूं, और आपसे ये वादा करने के लिए तैयार हूं कि जब तक कर्जे का एक एक रुपया नहीं चुका देती, मैं आपके सामने सर नहीं उठाऊंगी। सेल्फ रिस्पेक्ट की कीमत तुम गरीब और मिडिल क्लास लोगों की दुनिया में होती होगी, बिजनेस की दुनिया में नहीं अनुपमा। मुझे तो कुछ और चाहिए। लेट मी थिंक। बा को 2 दिन के लिए मेरे घर पे भेज दो, घर का काम करवाना है। राखी बहन, सॉरी 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 सॉरी, जस्ट किडिंग यू नो। मैं कमीनी हूं अनुपमा, लेकिन इतनी भी कमीनी नहीं हूं कि तुमसे तुम्हारी मां छीन लूं। मुझे मां नहीं, बेटी चाहिए, मेरी अपनी बेटी। मैं किंजल को तुम्हारा घर छोड़ने के लिए कन्विंस नहीं कर पाई, लेकिन अब मैं नहीं, तुम उसे कन्विंस करोगी अनुपमा, तुम। अनुपमा शायद वॉशरूम में होगी। होगी नहीं, वॉशरूम में है। पर तुम यहाँ क्या कर रही हो काव्या? मैं तो बस ऐसे, मैंने कहा था ना हेल्प नहीं कर सकती तो जाके सो जाओ। तुम जाओ यहाँ से, मम्मी ठीक नहीं है, उन्हें रेस्ट करने दो। मैं सिर्फ बात करने आई हूँ। कल भी तो बात हो सकती है ना काव्या। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है किंजल? मैं सिर्फ ये देखने आई थी कि अनुपमा ठीक है या नहीं। ओ वाओ, मम्मी की इतनी चिंता तुम्हें कब से होने लगी? हाँ गुड नाइट। नहीं राखी बहन, किंजल ने अगर जबरदस्ती घर छोड़ा तो वो कभी भी खुश नहीं रह पाएगी। मैं तो आपसे कर्जा मांगने आई थी। कर्ज नहीं, भीख। भीख ही सही, भीख ही सही राखी बहन। मैं भीख मांग लूंगी, पर अपने बच्चों का सौदा नहीं करूंगी। सौदा तो करना होगा अनुपमा, दुनिया का उसूल है, एक हाथ दे तो एक हाथ ले। तो आप ही बताइए कि आपको क्या चाहिए। मेरे पास जो कुछ भी है मैं आपको देने के लिए तैयार। ऑनलाइन पेमेंट कर रही हूं।
सौदा करने से पहले कीमत तो बता दीजिए। कीमत है तुम्हारा गुरूर। क्लिक और ऑनलाइन टैक्स पेमेंट होने के बाद तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी अनुपमा, लेकिन बदले में मैंने जो मांगा है वो तुम्हें देना होगा। बोलो, सौदा मंजूर है? विरासत में बच्चों को धन दौलत मिलती है, मैंने बच्चों को विरासत में कर्ज दी। सौदा मंजूर है या नहीं? समर बेटा, रो क्यों रहा है तू? आई नो जो अनुपमा ने किया है उसकी वजह से हम सबका ये हाल है, पर बेटा रोने से तो किसी बात का कोई। बात कहूं मिस्टर शाह, हमारे देश में आज तक न जाने कितने फ्रॉड्स हुए। बड़े बड़े बिजनेसमैन बैंक को धोखा देके आम आदमी का करोड़ों अरबों रुपए लेकर देश छोड़कर भाग गए, लेकिन आज तक आपने किसी न्यूज रिपोर्टर को, किसी न्यूज एक्सपर्ट को, किसी जर्नलिस्ट को आम इंसान को ब्लेम करते हुए सुना है? ये कहते हुए सुना है कि गलती आम इंसान की है कि उसने उस बैंक में अपना अकाउंट खोला? नहीं ना, क्योंकि उनकी गलती नहीं थी। एक आम इंसान एक सोफिस्टिकेटेड बिजनेस फ्रॉड को समझने के लिए वेल इक्विप्ड नहीं होता है, एंड आई कैन बेट माय लाइफ ऑन इट, अगर मम्मी की जगह आप भी होते तो आप भी ठगे जाते। फ्रॉड इज लाइक अ फ्रैक्चर, होने से पहले अमीर गरीब, एजुकेटेड अनएजुकेटेड, आदमी औरत या फिर वर्किंग वुमेन या फिर हाउसवाइफ, इन चीजों में फर्क नहीं करता। फ्रॉड किसी के साथ भी कहीं भी कभी भी हो सकता है। मैं जो कीमत दे रही हूं और आप जो कीमत ले रही है वो बात किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए, बस हमारे बीच में रहनी चाहिए। कल राखी का दिन है और आज राखी की रात, क्योंकि आज इस राखी ने शाह परिवार को नीलाम होने से बचाकर तुम पे एहसान किया है। एहसान तो पहले होता राखी बहन, कीमत लेने के बाद ये सोता है। ड्राइवर, मैडम को घर छोड़ाओ। जाने के पहले थैंक यू नहीं बोलोगी अनुपमा? थैंक यू राखी बहन। अपनों को थैंक यू नहीं बोलते अनुपमा? गुड नाइट। कान्हा जी, कहीं एक गलती से बचने के लिए मैंने दूसरी गलती तो नहीं करती?
मेरी जान किंजल में, किंजल की जान अनुपमा में, और अनुपमा की जान मेरी मुट्ठी में। वाह राखी दवे, वाह, यू आर ब्रिलियंट। अब होगा एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। वी, लगता है ये सदमे में पागल हो गई है। समर, अपनी मम्मी के लिए डॉक्टर को बुलाओ। क्या तमाशा है ये? तमाशा नहीं है, त्योहार है। दुख दरवाजा तोड़ के आता है और सुख के लिए दरवाजा खोलना पड़ता है। मैंने खोल दिया। She has completely lost it. लगता है भूल गई कि हमें टैक्स चुकाना है। टैक्स हो जाएगा, त्योहार मनाते हैं ना। अरे टैक्स है, बुखार नहीं है, जो खुद हो जाएगा। अरे कैसे होगा, कौन करेगा? वही करेगा बात जो सब कुछ करते हैं। कान्हा जी पे विश्वास रखिए ना। साफ साफ बताओ ना, बात क्या है? आप ही ने कहा था ने कि गलती मैंने की है, तो मुझे को सही करना पड़ेगा। मैंने कर दिया, बात खत्म। मैं रसोई में जाके तैयारियां करती हूँ, आप लोग भी जाके तैयार हो जाइए ना। और डोली बहन और भावेश आते ही होंगे। I'm telling you, वी, सदमे में ये पूरी तरह से पागल हो गई है। रातों रात 20 लाख के टैक्स का इशू तो सॉल्व नहीं होगा। आई होप अनुपमा ने कोई और बड़ी प्रॉब्लम ना खड़ी कर दी हो। समर, तू अंदर जा और देख क्या, पता कर क्या हुआ है। कुछ पूछने आए हैं? पूछने नहीं, बताने आया हूँ कि आपने जो भी किया है मैं आपके साथ हूँ। मम्मी, बात घर की है, तो आपने जो भी किया होगा सोच समझ के किया होगा। और अगर मैंने गलत किया होगा तो? जब बात घर की होती है तो सही गलत नहीं देखा जाता माँ। कोई आप पे शक करे तो करे, कोई सवाल करे तो करे, मैं ना शक करूंगा ना सवाल करूंगा, बस आपका साथ दूंगा। इस माँ के चमचे को तो भेजना ही गलत था। अब अनुपमा ने क्या किया है ये मुझे ही पता करना पड़ेगा। बस मैंने जो किया है वो किसी को पता नहीं चले और सब सही हो जाए। अनुपमा इतने कॉन्फिडेंस से कह रही है तो झूठ तो नहीं होगा, पर ये रातों रात 20 लाख लाई कहां से? अरे दामाद जी, डोली, आपकी शादी को तो बहुत साल हो गए हैं ना? जी। तो अभी बेबी बेबी का प्लान तो करो। मामा जी, आप मीनू को भूल गए? हाँ मीनू, आई नो, मैंने रिमेम्बर से, कहाँ है मीनू? वो कुछ दिनों के लिए अपने दादा दादी के साथ मेरी बहन के यहाँ मुंबई गई है। वनराज के बापूजी और स्वीटी भी बाहर गए। हाँ, तभी तो उनके हिस्से के लड्डू मुझे खाने पड़ते हैं। अब स्वीटी भी नहीं है, मीनू भी नहीं है, तो मेरे समर और तोशू को राखी कौन बांधेगा? अरे बा, मैं हूँ ना, मैं बांधूंगी राखी। अरे अरे, मुझे नहीं। हाँ तुझे तो राखी मैं बांधूंगी, पागल छोकरो। समर, सब ठीक है ना? परेशान लग रहे हैं सब। अरे परेशान नहीं मामू, सैड है सब। कूल डूड मीनू और स्वीटी को मिस कर रहे हैं। हाँ। आई थिंक देविका ने अनुपमा को पैसे दिए। शी अर्न्स वेल, और वो तो अनुपमा की BFF है। मे बी नहीं, आई एम श्योर देविका ने ही पैसे दिए होंगे। और कौन अनुपमा की हेल्प करेगा? घर के बाहर अनुपमा सिर्फ दो ही लोगों को जानती है जो रातों रात पैसा अरेंज कर सकते हैं, एक देविका और एक राखी दवे। स्टार्ट
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।